प्रदेश में राजगढ़ के ब्यावरा में शिवपुरी से इलाज के लिए भोपाल जा रहे शर्मा परिवार के सात लोगों की कार अचानक पलटकर सूखी नदी में नीचे जा गिरी थी, जिन्हें वहां से गुजर रहे एक प्लम्बर बारिश खान ने मानवता का परिचय देते हुए अकेले ने ही किसी तरह गाड़ी को सीधा किया और गाड़ी के कांच तोड़कर सभी को बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी, हॉस्पिटल पहुंचाया था। जबकि वारिस खान द्वारा बचाव के दौरान कांच तोड़े में हाथ में भी चोट लगी थी। वारिस खान के इस मानवता भरे कार्य को देख प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोई देरी न करते हुए बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के मानवता का परिचय देने वाले इस बहादुर मुस्लिम युवक वारिस खान को खतरे में पड़े इस हिंदू परिवार की जान बचाने के लिए पहले तो जमकर तारीफ की, फिर 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया था और कहा कि इससे लोगों में समाज सेवा का भाव पैदा होगा। वहीं माननीय कलेक्टर राजगढ़ ने दूसरे के दिन वारिस खान को सम्मान राजगढ़ कलेक्ट्रेट में 1,00,000 रुपए का इनामी चेक सौंपा और वारिस खान की प्रशंसा भी की। इस घटना और मुख्यमंत्री के निष्पक्ष प्रोत्साहन को देख जमीयत उलेमा हिंद के नायाब सदर मौलाना गाजी वली अहमद चिश्ती ने मीडिया से फोन पर चर्चा कर माननीय मुख्यमंत्री के इस निष्पक्ष प्रोत्साहन की प्रशंसा की और इनका धन्यवाद देते हुए कहा कि यकीनन एक दूसरे की मदद करना हमारा मजहबी फरीजा है और एक अच्छे वजीर आला की यही पहचान है कि वो अपनी प्रजा की किसी अनजनी गलती पर डांट और किसी नेकी और समाज खिलाई के लिए उसको हौसला अफजाई प्रोत्साहित करें, वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब गाजी वली साहब बोल रहे हैं, नायब सदर जमीयत उलमाए हिंद मध्य प्रदेश। जी हाँ, गाजी वली अहमद बोल रहा हूँ। जनाब साहब मैं ये अर्ज कर रहा था कि ब्यावरा में कल एक कार जो इलाज के लिए अपने परिजनों को लेकर शिवपुरी से भोपाल जा रही थी, वो कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर एक सूखी नदी में गिर गई थी जी। तो वहाँ उस वक्त तक कोई भी मदद नहीं पहुंच सकी थी, तो वहाँ एक मुस्लिम नौजवान ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन सभी हिंदू भाई बहनों को जो कार के अंदर फंसे हुए थे, गेट लॉक हो चुके थे, तो सारे गेट तोड़कर उनको बखैरियत बाहर निकाला जी। और इस कुशलता से उन्होंने उसको बाहर निकाला सभी लोगों को, तो सभी ने उनको धन्यवाद भी किया और अस्पताल पहुंचाया जी। तो इस घटना की जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब को जब इसकी खबर लगी कि एक मुस्लिम नौजवान ने बहुत अच्छी बहादुरी का परिचय दिया है, तो उन्होंने उसको नगद 1,00,000 रुपए इनाम देने के लिए घोषणा भी की है। तो क्या मानते हैं आप इस प्रकार की बात को लेकर, मुख्यमंत्री जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? अव्वल तो हमारे उस मुसलमान जवान ने जो अमल किया वो हमारा एक मजहबी और इस्लामी अमल था जी। और अखलाकी और इंसानियत का अमल था, उसको ऐसा ही करना चाहिए था बगैर किसी लोभ लालच के। लेकिन अगर इस पर हमारे इज्जत मआब वजीर आला साहब ने उसको 1,00,000 रुपए के इनाम से नवाजा है, तो हम उन के इस इकदाम की कदर करते हैं और उस ऐलान की कदर करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने एक अच्छाई की कदर करी और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी वो इसी किस्म की हिम्मत अफजाइयाँ मेहनत करने वालों और अच्छे काम करने वालों की करते रहेंगे। अगर इंसानियत के नाते किसी से कोई गलती हो तो उसकी अगर आलोचना की जाए तो उसकी किसी अच्छाई की भी कदर करनी चाहिए। लिहाजा में दिल की गहराइयों से हमारे मुख्यमंत्री हमारे वजीर आला साहब जो हैं उनके इस अमल की कदर करता हूँ, अच्छी निगाह से देखता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे काम की कदर करी। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। धन्यवाद। हाँ भाई, आवाज आ रही मेरी आपको? अरे आप कहाँ से यात्रा कर रहे थे, गाड़ी में कहाँ घूम रहे थे? बीनागंज जा रहे थे। जरा बताओ क्या हुई थी घटना पूरी? ये तो आप गाड़ी में थे कि बाहर मोटरसाइकिल पे थे? नहीं सर, मैं मोटरसाइकिल पे
आप मोटरसाइकिल जी पे थे? अच्छा, मोटरसाइकिल आप बीनागंज जा रहे थे और गाड़ी पलटी एकदम से। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा 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 हाँ अच्छा 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 चलिए आपको बहुत बहुत हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, आपने बड़ा काम किया, मैं आपको बधाई भी देता हूँ। और हमारे ऐसे जाबाज लोगों के कारण से ही एक बड़ी घटना में मदद मिली है। और चूंकि आप प्लम्बर का काम करते हैं, आपको कांच तोड़ के ये निकालना आता है? अच्छा, ये कार 4 पलटी खा के पलटी थी, और कितने 7 लोग थे अंदर? चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं बधाई देता हूँ आपको। और आपको मैं ये कलेक्टर को बोलूँगा, आपका एड्रेस मिलेगा तो कलेक्टर से मिलकर के आपका बैंक का अकाउंट देना है ना। हम आपको 1 लाख की मदद कर देते, थोड़ी सी आपको ध्यान लगे, ठीक है? हमारे अपने ऐसे कष्ट के समय में अपने को जरूर इस तरह से ध्यान देना चाहिए। 7 लोगों की जान बचाना ये बड़ी बात है, मेरी अपनी ओर से बधाई। क्या नाम है आपका? मेरा वारिस खान नाम है जी। क्या घटना हुई थी कल? मैं बीनागंज काम करने जा रहा था, उधर से ये गाड़ी आ रही थी, इसमें ब्रेक चिपके गाड़ी के, वो गाड़ी पलटी मारी। पलटी मारने के बाद गाड़ी वापस मैंने घुमाई, मेरी गाड़ी छोड़ के मैं इनको बचाना आप था। कैसे थे? बाइक से थे जी। जी फिर मैंने घुमा के गाड़ी मेरी पटक के फिर इनको बचाने चले गए। गाड़ी पलटी थी, बच्चे दबे थे, फिर जी मैंने अपने हाथ से कांच फोड़ा, उन बच्चों को हेड़ा हेड़ने के बाद गाड़ी मैंने सीधी करी अकेले। गाड़ी भी सीधी करी? हाँ, गाड़ी सीधी करके जो महिला थी वो बैजन टाउन में, वो भी हिट नहीं पा रही थी, उन्हें हेड़ा। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया, टोल से गाड़ी आई, एम्बुलेंस उसमें बिठाया, फिर उनको काम छोड़ के मेरा अस्पताल आया। अस्पताल में मैंने इनका ट्रीटमेंट देखा। तो आपके भी कोई चोट लगी हाँ, क्या? मेरे ये हाथ चिराया था और मेरे ये कलेजियाँ लगी थी। जी जी जी